गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए जेपीएससी पीटी के लिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। आज से पहला क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास पूरा का पूरा कवर करवाऊंगा जेपीएससी पीटी के लिए। आज फर्स्ट क्लास है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो तो कृपया पीटी बेसिस से, जो अभी पीटी चालू कर रहा हूँ, वो तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। चलिए पीटी में क्या क्या पढ़ना है पहले वो बता दे रहा हूँ। पीटी में जो जो पढ़ना है, भारत में यूरोपियों का आगमन, तो भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में पहले क्या क्या, कौन आया पहले, कौन आया कौन गया। तो यूरोपियों के भारत के भारत में आगमन के लिए जिम्मेदार कारक कौन था, आखिर यूरोपीय लोग क्यों आए इंडिया में, उसके पीछे क्या कारक थे। भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण 1498 से 1739, फिर उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ, पुर्तगालियों की व्यापारिक व राजनीतिक स्थिति, भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार कारक क्या, जिम्मेदार कारक था भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या था, पुर्तगालियों के आगमन का महत्व, डच, नीदरलैंड, अंग्रेज भारत आने के लिए समुद्री व्यापार मार्ग ही क्यों चुना वो भी जानना जरूरी है, डेनमार्क, उसके बाद फ्रांसीसी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंध व्यक्तित्व, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंध स्थल, ब्रिटिश विजय के समय मुगलों की स्थिति क्या थी, मुगलों के समक्ष चुनौतियाँ, मुगलों के पतन के कारण, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, उसके बाद आपका भारत में अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण तथा विस्तार, भारत में अंग्रेजों का एकीकरण कैसे हुआ तथा विस्तार कैसे किए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो उसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कालक्रम क्या था, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय कैसे हुई, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में किनके किनके बीच में हुआ, कौन विजयी रहा, कौन उसमें पराजय हुआ, ठीक है। बक्सर का युद्ध कैसे निर्णायक युद्ध माना जाता है 1764 का, बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से मई 1799, चलिए सब देख लेते हैं सारा टॉपिक। सारे पढ़ने हैं, चलिए पहला क्लास स्टार्ट करता हूँ। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में आखिर यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था आखिर भारत में यूरोपियों का आने का, उसके पीछे रीजन था, किसने बुलाया, क्यों आया, क्या कारण था, तो ये जानकारी के लिए आपको आगे पढ़ना होगा। ये पीटी बेसिस से है, ये जेपीएससी पीटी में काम करेगा, आपका बीपीएससी में भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूपीपीसीएस में भी काम करेगा, ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न का है, ठीक है। तो पीटी बेसिस से है, पीटी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, बेसिक से आप जेपीएससी वाले जितने भी हैं, चूँकि जेपीएससी तो आएगा ही बहुत जल्द, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज से पहला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ पीटी बेसिस से, देखते जाइए आराम से, आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ देखते जाइए, बहुत बढ़िया से समझ आएगा। जहाँ नया रिवाइज करिए, रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यूरोपियों के भारत में आगमन के लिए जिम्मेदार कारक, आखिर यूरोपियों के भारत में आगमन के पीछे कारण क्या था, क्या कारण था आखिर भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, तो बताना चाहेंगे। भारत में यूरोपियों के आगमन का प्रमुख कारण पुनर्जागरण के पश्चात प्राप्त ज्ञान बोध था, जिसने यूरोपीय
शासकों एवं विचारकों को शेष विश्व से परिचित कराया, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन भौगोलिक खोजें हुई, उपनिवेशवाद की प्रारंभिक अवस्था का निर्माण हुआ। भारत की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति ने यूरोपियों को आकर्षित किया। भारत की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, चूँकि यहाँ पर भारत की जलवायु परिस्थितियाँ भी कच्चे माल की उपलब्धता का आधार श्रेष्ठ थी। जहाज निर्माण, नौ परिवहन में यूरोपियों की उन्नत तकनीक, यूरोपियों का आर्थिक विकास, भारतीय वस्तुओं जैसे मसाले, छींट रेशम, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तनों इत्यादि की यूरोप में बढ़ती मांग, ठीक है, जिसके कारण इंडिया की तरफ, भारत की तरफ आकर्षित हुए। भारत में यूरोपीय कंपनियों का स्थापना क्रम, पुर्तगाली 1498 में भारत में यूरोपीय कंपनियां स्थापित हुआ, तो 1498 में पुर्तगाली आए, डच 1605 में, अंग्रेज 1608 में, ठीक है, कंपनियों का स्थापना किया, डेन 1620 में, फ्रांसीसी 1664 में, चलिए आगे आते हैं। चलिए पुर्तगालियों से स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। हर व्यक्ति को जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसको बिल्कुल पता होगा कि वास्को डी गामा भारत का खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था, यूरोपीय यात्री था, ठीक है। वास्को डी गामा जो आया था 17 मई 1498, ध्यान रखिएगा भाई, ये नंबर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम में सब तो अक्सर पूछा ही जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है। 17 मई 1498 में उत्तमाशा अंतरिप द्वीप होते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा। कहाँ पर? कालीकट पहुंचा था। उसका जमोरिन नामक राजा उस समय था, कालीकट का राजा जमोरिन नामक राजा ने उसका स्वागत किया था। कौन सा राजा था? जमोरिन नामक राजा। कितना में? 17 मई 1498 में कालीकट स्थान पहुंचा था। कालीकट में उसका जमोरिन नाम का राजा स्वागत किया था, ठीक है। 1502 ईस्वी तक वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोचीन, कन्नूर में व्यापारियों केंद्रों की स्थापना तथा उनकी किलेबंदी की गई। दूसरी बार कब आया था? 1502 में। कब आया था? 1502 में आया था वास्को डी गामा दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोचीन, कन्नूर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना और उनकी किलेबंदी की। व्यापारिक केंद्र स्थापित किए 3 जगह पर, कालीकट है, कोचीन है, कन्नूर है, ये तीनों जगह पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया तथा उनमें किलेबंदी की गई। अन्य व्यापारियों के विपरीत पुर्तगाली भारत में व्यापार का एक अधिकार चाहते थे। अन्य व्यापारियों के विपरीत पुर्तगाली जो थे भारत में व्यापार का एकाधिकार चाहते थे। व्यापार एकाधिकार मतलब हो गया अकेले व्यापार करना चाहते थे पुर्तगाली लोग, ठीक है। तो भारत में आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, भारत में पेड्रो अल्वारेज केब्रल, ठीक है, भारत में आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज केब्रल। 1500 ईस्वी में कालीकट में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापना की, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपियों के शासन के युग की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 से 1509 तक, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जिसने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी एवं कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। किसने किया था? शांत जल नीति की, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लाने वाला कौन व्यक्ति था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने शांत जल की नीति, कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। कार्टेज प्रणाली क्या थी? इसमें भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने पर बल दिया गया था। कार्टेज मतलब, क्योंकि भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय
समुद्र में शक्तिशाली बल होने पर, शक्तिशाली होने पर बल दिया गया, ठीक है। अतः इसने तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाई। तटीय प्रदेश मतलब क्या हो गया, कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन में बस्तियां बसाई, आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं किया। आंतरिक भाग पर नियंत्रण नहीं किया, कोस्टल रीजन पर इसलिए किया ताकि कोई भी समुद्री आक्रमण करता अगर आता है तो उन लोगों को वहीं रोका जा सके, ठीक है, कोस्टल रीजन में उन लोगों को रोका जा सके। कार्टेज अल्मेडा प्रणाली, हिंद हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी एक जल परिवहन लाइसेंस या पास था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1500 से 1515, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था, कितना में, 1510 में। कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। मुस्लिमों पर अत्याचार, विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय ने भटकल में अल्बुकर्क को एक किले के निर्माण करने का अधिकार दिया था, ठीक है। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। अब इतना दिन रहना है, कोई भी इंडिया में रहेगा तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, ताकि लोग उसको स्वीकार करें, स्वीकार करने के लिए अब वैवाहिक संबंध स्थापित करना चालू कर दिया, ताकि लोग अपनापन बढ़े, लोगों के बीच में भरोसा बढ़े। इसके कारण अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह का नीति अपनाई। अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में मलक्का और हॉर्मुज ईरान पर आधिपत्य कायम किया एवं लाल सागर के मुहाने पर स्थित सकुत्रा द्वीप, सुमात्रा, कोलंबो इत्यादि में किले स्थापित किए। कहाँ कहाँ पर, मलक्का और हॉर्मुज ईरान पर, ठीक है, आधिपत्य कायम किया एवं लाल सागर के मुहाने पर स्थित सकुत्रा द्वीप, सुमात्रा, कोलंबो इत्यादि में किले स्थापित किए। इसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। जितने भी उसके प्रभाव क्षेत्र थे वहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी सती प्रथा हो रहा था, सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंध कर दिया। 1515 में अल्बुकर्क की गोवा में मृत्यु हो गई तथा इस समय तक पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौ सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, ठीक है। अल्बुकर्क की मृत्यु कब हो गई, अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 ईस्वी में हो गया, लेकिन उस समय तक पुर्तगाली जो थे नौसेना में पूरी शक्तिशाली हो चुके थे। उसके बाद आया अगला गवर्नर नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा उसके बाद आया अगला गवर्नर, ठीक है। इसके द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, कोचीन थी। कोचीन की जगह पर वो कहाँ स्थान अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया, गोवा। पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा बन गया। कहाँ ले गया, कोचीन की जगह पर गोवा ले गया। उसके शासनकाल में दीव, बसाई, वसाई को गुजरात के राजा बहादुर शाह से छीन लिया गया और उस पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह बहादुर शाह 1537 ईस्वी में, बहादुर शाह 1537 ईस्वी में दीव में पुर्तगालियों से लड़ते हुए मारे गए। बहादुर शाह पुर्तगालियों से लड़ते हुए मारे गए। यह एक व्यवहारिक नेता था जिसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र से परे भी पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। उसके समय में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार पूर्वी तट तक हुआ। किसके काल में, आपका हो गया नीनो डी कुन्हा के काल में। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति थी वो क्या थी। प्रारंभ में केवल मुस्लिमों के प्रति द्वेषपूर्ण थे, मुस्लिमों के प्रति द्वेषपूर्ण थे, बाद में हिंदुओं के प्रति भी हो गए,
1579 में बादशाह अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा। ठीक है, पुर्तगालियों की व्यापारिक व राजनीतिक स्थिति, पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो आपको बताना चाहेंगे, स्पेन द्वारा हिंद महासागर पर अधिकार छोड़ने के उपरांत पुर्तगाली एक छत्र बादशाह हो गए थे। इन्हें एस्टादो द इंडिया के नाम से भी जाना गया। पुर्तगालियों ने सतगांव, चटगांव में फैक्ट्री खोली एवं बुंदेल और हुगली में भी कारखाना का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने वेडोर द एजेंडा नामक एक पद स्थापित किया, जिसका कार्य राजस्व तथा कार्गो एवं सैनिकों नौसैनिकों बेड़ों को भेजना था। भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार कारक, भारत में पुर्तगालियों का आखिर पतन क्यों हुआ, उसके कारण क्या कारण था जो पुर्तगालियों का पतन हो गया। ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन थे? मिस्र, फ्रांस, उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय। ठीक है, मिस्र और फ्रांस में तथा भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय तथा उनके पड़ोसियों के रूप में मराठाओं का उद्भव हुआ। 1538 में तुर्की का अदन पर अधिकार हो गया, जिससे पुर्तगाली ना तो पूर्णतः मसालों के व्यापार पर नियंत्रण कर सके ना ही अदन पर। फर्नांड ब्राडल कहता है कि पुर्तगाली कस्टम ऑफिसर बनकर रह गए। मिशनरियों की गतिविधियों से राजनीतिक भय तथा उत्पीड़न जैसे न्यायिक जांच से पुर्तगालियों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। पुर्तगाली प्रभुता को चुनौती देने वाली अंग्रेजी तथा डच वाणिज्य संस्थाओं का उदय हुआ। भारत में पुर्तगाली शासन की समुद्री डकैती तथा अवैध व्यापार प्रथाओं के साथ बड़े विस्तृत पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच एवं स्वार्थ उन लोगों में आ चुका था। ब्राज़ील की खोज के कारण पुर्तगाली उपनिवेशों का पश्चिम की ओर पलायन। ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी तो इंडिया में उन लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत कम होने लगा था, तो उपनिवेशों का पश्चिम की ओर पलायन होने लगा था। तो पुर्तगालियों के आगमन का महत्व, उसका क्या महत्व था, पुर्तगालियों के आगमन का महत्व क्या है? पुर्तगालियों ने न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत की बल्कि नौसैनिक शक्ति के उदय को भी चिन्हित किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत की बल्कि नौसैनिक शक्ति के उदय को भी चिन्हित किया। जहाज़ पर तोप के उपयोग की शुरुआत हुई जहाज़ पर तोप के उपयोग की शुरुआत हुई। पुर्तगाली समुद्र में उन्नत तकनीकों में माहिर थे। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में एक से अधिक डेक वाले जहाज़ों का निर्माण किया। मिशनरियाँ तथा चर्च में भारत में चित्रकारों, नक्काशी करने वालों तथा मूर्ति बनाने वालों के संरक्षक थे। पुर्तगाली संगठन बनाने में कुशल थे, जैसे शाही शस्त्रागार और जहाज़ बनाने के स्थान का निर्माण तथा निजी व्यापारिक जहाज़ों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य बलों को खड़ा करना आदि उल्लेखनीय है। इन्होंने भारत में युद्ध की यूरोपीय कला, गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की। गोवा में चांदी के काम करने वाले तथा सोने के काम करने वाले सुनार की कला का विकास किया। पुर्तगालियों ने तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, आलू एवं लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। देखो भाई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने क्या क्या किया पहले देख लो। पुर्तगालियों ने तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, आलू, लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। पुर्तगाली
भारत में सबसे पहले आए तथा भारत में सबसे अंत में गए, कितना में? 1761 में। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में वही लोग आए, और सबसे अंत में जाने वाला कौन था? पुर्तगाली लोग ही थे, डच नीदरलैंड, नीदरलैंड वासी थे, डच जो थे नीदरलैंड वासी थे। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बेंटन पहुंचा था। डच संसद के एक चार्टर के द्वारा मार्च 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आंध्र क्षेत्र में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम बोला जाता था, में पहले कारखाने की स्थापना की। बाद में पुर्तगालियों को हराकर प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक शक्ति के प्रमुख रूप में उभरे। भारत में उनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था, यहीं पर डचों के स्वर्ण सिक्के पेगोडा ढाले गए। कहाँ पर? भारत में उनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था, यहीं पर डच के स्वर्ण सिक्के पेगोडा ढाले गए। डच यमुना घाटी तथा मध्य भारत में उत्पादित नील इंडिगो बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल तट से वस्त्र तथा रेशम, बिहार से सोरा और गंगा की घाटी से उत्पादित अफीम एवं चावल का व्यापार करते थे। भारत से भारतीय वस्त्र के निर्यात का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। 1627 ईस्वी में अंग्रेजों तथा डचों के बीच में एक संधि हुई, जिसमें डचों ने भारत में तथा अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अपने अधिकार क्षेत्र के दावे को वापस ले लिया। ठीक है, अंग्रेज तथा डचों के बीच एक संधि हुई, जिसमें डचों ने भारत में तथा अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अपने अधिकार क्षेत्र के दावा को वापस कर लिया। 1650 ईस्वी में अंग्रेज भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगे। लगभग 70 वर्षों तक अंग्रेजों तथा डचों के बीच लड़ाइयाँ जारी रही, जिसमें डच एक एक करके अपने बस्तियाँ उपनिवेशों को अंग्रेजों के हाथे हाथ खोते गए। डचों को भारत में राज्य स्थापित करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वे सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह में था, जहाँ से व्यापार के माध्यम से वह बड़ा लाभ अर्जित करते थे। भारत में प्रायः आंग्ल डच युद्धों में डचों की हार हुई एवं उनका ध्यान मलयद्वीप समूह की ओर स्थानांतरित हो गया। बिद्रा के युद्ध 1769 में हुगली के निकट हुआ, में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। इस पराजय से भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी। अब आ गए अंग्रेज। इकतीस दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया, जिसमें 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हु की 1609 में इंग्लैंड के कैप्टन हॉकिंस भारत में मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में आया था। उसने सूरत में एक अंग्रेजी व्यापार केंद्र की स्थापना की इजाज़त मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के चलते जहांगीर ने उसे इजाज़त देने से मना कर दिया। अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के बाद सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। कब? पुर्तगालियों पर विजय प्राप्ति के बाद, ठीक है, सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1615 में सर थॉमस रो भारत में जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा का दूत बनकर आया, तथा भारत के अन्य हिस्सों में
अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की। 1661 ईस्वी में बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। किसको? बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बॉम्बे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। 1700 तक मुंबई, मद्रास, कलकत्ता भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के 3 प्रेसिडेंसी शहर बन चुके थे, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग ही क्यों? आखिर अंग्रेज समुद्री मार्ग को ही क्यों चुने भारत आने के लिए? यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की भावना उदय हो रहा था। चूंकि यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की भावना उदय हो रही थी, यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से बढ़ना, जो समृद्धि तथा विलासिता के वस्तुओं की मांग की ओर बढ़ने लगी, मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसे सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता थी। 1543 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया तथा बाद में सीरिया एवं मिस्र पर ओटोमन साम्राज्य तुर्की का अधिकार हो गया, जिससे अरबों एवं तुर्कों से बिना सामना किए भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। वेनिस, जेनोवा तुर्कों से लड़ने के लिए बहुत छोटे थे। उत्तरी यूरोपीय धन आदमियों के द्वारा और जेनो आवासीय जहाज़ों एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा स्पेन एवं पुर्तगाल की मदद करते थे। सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ तथा उसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांसीसी का भारत में आगमन हुआ। डेनमार्क उपनिवेश। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में भारत के पूर्वी तट पर तंजोर के निकट त्रेंकोबार में पहली फैक्ट्री तथा दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? सेरामपुर में। पहली फैक्ट्री आपका त्रेंकोबार में हुआ, दूसरा सेरामपुर में हुआ। उनकी प्रारंभिक बस्तियां कोलकाता के निकट सेरामपुर मुख्यालय में थी। डेनिश फैक्ट्रियों को 1745 में अंग्रेजी सरकार को बेच दिया गया और वे भारत से चले गए। कितना में? 1745 में। उसके बाद कौन थे? फ्रांसीसी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ पर? सूरत में, 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना फ्रेंकोइस केरो के द्वारा की गई। 1673 ईस्वी में फ्रेंको मार्टिन द्वारा शेख खां लोदी से पौंडीचेरी प्राप्त किया। 1698 में पौंडीचेरी डचों से छीन लिया, परंतु फिर 1697 में रेजविक की संधि से पुनः पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध 1740 से 1748, कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। संधि एक्स ला शापेल 1448 ईस्वी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। परिणाम हुआ, ना तो फ्रांसीसियों को लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियां उजागर कर दी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अंबर का युद्ध भी बोला जाता है इसे,
इसका कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल था 1751 से 1755। कारण क्या था? हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक विवाद को लेकर था। संधि, पौंडिचेरी की संधि 1755 समाप्त हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम था यह अनिर्णायक रहा। इसमें दक्षिण भारत में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों की शक्ति कम हुई, अतः अंग्रेजों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे वांडीवास का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में, तृतीय कर्नाटक युद्ध इसे ही बोला जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध से भी प्रभावित हुआ। संधि, पेरिस संधि 1763 के द्वारा समाप्त हुआ। परिणाम इसका हुआ वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के निर्णायक रूप से हरा दिया। यहाँ पर इसी युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से 1760 में हरा दिया, ठीक है। चलिए भाई, आज इतने ही, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पूरा क्लास देखिएगा, देखने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा क्लास करवाएंगे, पूरा जन आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। धन्यवाद।